हेलो एवरीवन, इट्स कोमल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने अपनी लास्ट यूट्यूब वीडियो में आपको गार्नियर सेरम मास्क के बारे में बताया था, उस पर थोड़ा रिव्यू दिया था कि मैंने उसको ऑलरेडी यूज़ किया है। तो आज का ये जो वीडियो है ये उसी मास्क पर है जिसको मैं खुद अपने चेहरे पर लगा कर दिखाऊंगी और उसके बाद मुझे क्या रिजल्ट मिला वो पूरा इस वीडियो में बताऊँ। प्रोडक्ट में ऑलरेडी लिखा हुआ है कि ये ऑयली और कॉम्बिनेशन स्किन के लिए बेस्ट है। दूसरा कि इस प्रोडक्ट में ये लिखा है कि आप इसको 15 मिनट्स तक लगाइए और उसके बाद इसमें आपके चेहरे पे इंस्टेंट ग्लो आता है 15 मिनट्स के बाद। तो मैंने इस वीडियो में आपको ये 20 मिनट्स में दिखाया कि मैंने 20 मिनट्स तक इसको लगा के रखा था और उसके बाद मेरे चेहरे पे जो भी दिखा उसके बाद का जो रिजल्ट है वो आप इस वीडियो में आपको बता देती हूँ कि इस प्रोडक्ट में ऑलरेडी इसके जो ये मास्क है जो मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ इसमें लिखा है कि आफ्टर 15 मिनट्स आपकी जो स्किन है वो काफ़ी ज़्यादा हाइड्रेट हो जाती है, स्किन को रीबैलेंस करता है और काफ़ी ज़्यादा क्लियर बना देता है। लेट्स बिगिन। हेलो एवरीवन, सो मैंने अपनी स्किन को अच्छे से क्लियर कर लिया है और अब मैं ये जो गार्नियर फेस मास्क है ये अपने चेहरे पर लगाऊंगी। अभी मैं इसको ओपन कर रही हूँ। सो मैंने इसे निकाल लिया है। ये एक ब्लू कलर की शीट है। सो जो इसका इनर पार्ट है वो वाइट कलर का होगा, उसे आपको अपने फेस पे लगाना है और ब्लू वाले पार्ट को बाहर रखना है। फिर इसको आप अच्छे से अपने फेस पर लगा लीजिए, स्प्रेड कर लीजिए। और ये जो ब्लू कलर की शीट है ऊपर, इसको आप पील ऑफ कर लेंगे, इसको निकाल लेंगे। जैसे अभी मैं निकालूँगी, इसको आप ऊपर से या नीचे से कहीं से भी अच्छे से जो ब्लू कलर की शीट है ऊपर की इसको निकाल लेंगे। और अब आप अपने फेस पे इस शीट मास्क को अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे, अपने नोज़ एरिया में, अपने साइड बर्न्स पे, फोरहेड पे और अपने अपर लिप्स को अच्छे से इसको स्प्रेड कर लेंगे। सो मैंने इसको अच्छे से स्प्रेड कर लिया है। अब मैं इसको 20 मिनट्स तक लगा के रखूँगी। तो 20 मिनट्स के बाद मैं आपसे फिर मिलती हूँ। सो ये जो एक्सेस सेरम है उसे मैं अपने नेक पे लगा लूँगी, अपने ईयर्स पे लगा लूँगी और अपने हैंड्स पे भी लगा लूँगी। सो अब मैं 20 मिनट्स बाद आपसे फिर से मिलती हूँ। हेलो एवरीवन, सो अब मेरे को 20 मिनट्स हो चुके हैं तो मैं अपना मास्क रिमूव करूँगी। सो इस मास्क को रिमूव करने के बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा हाइड्रेटेड महसूस हुआ था अपने फेस पे एंड इसने काफ़ी ज़्यादा सेरम छोड़ा था फेस पे। सो मैंने उसको बहुत अच्छे से आफ्टर, जैसे आप अपना मास्क हटाएंगे तो उसको अच्छे से मसाज करना है फेस पे, जितना भी एक्सेस सेरम है उसे अच्छे से मसाज कीजिए। तो मैंने अपने फिंगर टिप से पूरा मसाज। सो मुझे ये मास्क लगाने के बाद अपने फेस पे काफ़ी ज़्यादा कूलनेस और हाइड्रेशन महसूस हुआ था एंड थोड़ा सा ग्लो भी मेरे फेस पे आया था जो कि आप देख सकते हैं बिफ़ोर और आफ्टर के बाद। सो मुझे ये मास्क अच्छा लगा इस प्रोडक्ट पे। और ये भी लिखा है कि आफ्टर 1 वीक आपका जो टी जोन है वो काफ़ी ज़्यादा ऑयल फ्री हो जाता है, आपकी जो स्किन की क्वालिटी है वो काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है और जो आपके पोर्स हैं वो कम विजिबल होते हैं। सो आई होप आपको आज का ये वीडियो बहुत पसंद आया हो एंड प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। और प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड डू नॉट फॉरगेट टू माई चैनल। थैंक यू।